दुनिया भर में करीब 35 करोड़ लोग मधुमेह का शिकार हैं। इनमें से करीब 6 करोड़ 3 लाख लोग अकेले भारत में हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि इस मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है और कैंसर, स्ट्रोक और डायबिटीज की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। तो इन दवाइयों का सेवन करना कभी कभी घातक भी होता है, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ मिली होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो कभी कभी किडनी और हार्ट के लिए प्रॉब्लम भी दे सकती हैं। तो मेरा सभी डायबिटीज़ रोगियों से यही निवेदन है कि अपनी आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, डाइट के साथ उन दवाइयों का सेवन करते रहें, क्योंकि अनियंत्रित अगर डायबिटीज़ रहेगी तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है। और आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर लेते हैं तो उनके साथ एलोपैथिक दवाइयों का सेवन बिल्कुल बंद ना करें और नियमित अपनी शुगर की मात्रा को टेस्ट करते रहें, क्योंकि अनियंत्रित डायबिटीज़ से काफ़ी खतरे बढ़ते हैं। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 11वीं पांचवर्षीय योजना में 21 राज्यों के 100 जिले केंद्र में थे। 12वीं पांचवर्षीय योजना में देश के सभी राज्यों को इसमें शामिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मधुमेह के इलाज और रोकथाम के लिए जिला अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2030 तक डायबिटीज लोगों की मौत का सातवां सबसे बड़ा कारण होगा। चीन में डायबिटीज के करीब 9.5 करोड़ मामले हैं। एक ताजा शोध के अनुसार खाने में नियमित रूप से दही का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज में आराम मिल सकता है। इस तरह का मधुमेह तब होता है जब शरीर की इंसुलिन पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। यही वजह है कि मधुमेह के शिकार लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। डायबिटीज का असर ब्लड प्रेशर, दिल और आंखों पर भी पड़ सकता है। मोटापे के शिकार लोगों में अक्सर डायबिटीज पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा।